आप लोगों ने मैन इन द मिडल अटैक के बारे में सुना होगा, जिसमें एक हैकर या अटैकर किसी भी यूजर के आईडी पासवर्ड्स को चुरा लेता है। तो क्या आपने कभी सुना है कि मैन इन द मिडल अटैक दो कॉलर्स के बीच में भी हो सकता है, जिनकी मदद से वो दो कॉलर्स के बीच क्या बातचीत चल रही है इसे सुन सकता है? ना कि वो दो कॉलर्स के बीच में बातचीत सुन सकता है, बल्कि वो एक पर्टिकुलर एरिया में क्या बातचीत हो रही है उसे भी सुन सकता है, टैप कर सकता है। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, कैसे वो ये काम कर पाते हैं, किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीजें ज्यादातर आपने सर्विलेंस या मूवीज के अंदर देखी होंगी कि जहां वो पर्टिकुलर एरिया की कॉल सुन सकते हैं, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो उसी के बारे में आज का वीडियो है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मोस्टली मूवीज में आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी हैकर है, कई गेम्स में आपने देखा होगा कि वो किसी भी एरिया के अंदर जो भी फोन कॉल चल रहे होते हैं उन्हें सुन लेता है बहुत इजीली, और वो देखकर आपको लगा होगा कि ये बहुत आसान काम है, कोई भी हैकर इसे कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये आसान होने के साथ साथ थोड़ा लीगल और इलीगल पर भी बेस करता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जिस डिवाइस के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, जिस चीज के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, उसका नाम है IMSI। इसका पूरा नाम होता है इंडिविजुअल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, यानी कि जैसे कि सिम किसी भी सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी होती है, ऐसे ही IMSI जो होता है वो किसी भी मोबाइल सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी होती है, जो कि ज्यादातर सभी सेलफोन्स के अंदर होता है। इसकी मदद से कोई भी जो मोबाइल है वो एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को ट्रैक कर पाता है और उससे कनेक्ट हो जाता है। वास्तव में IMSI कैचर जो है इसका स्पेशली इस्तेमाल किया जाता है सर्विलेंस के लिए, और ज्यादातर लॉ इन्फोर्मेंस ऑफिसर जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं वो सेलफोन्स को ट्रैक करने के लिए या उससे रिलेटेड डेटा को इकट्ठा करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। वास्तव में इसका जो काम है हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्रिमिनल की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए या फिर उसकी जो बातचीत हो रही है उन्हें ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है लीगली। तो अभी तक आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे नेट पे जिनमें आपको बताया गया होगा कि पुलिस कैसे पकड़ती है, लेकिन IMSI कैचर्स के बारे में ज्यादातर जगह मेरे हिसाब से अभी तक किसी भी हिंदी चैनल पर नहीं बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमें पता होना ही चाहिए। यहां मैं आपको दिखा सकता हूं कि जो IMSI कैचर है किस तरह से एक लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ आप कनेक्ट करते हैं और किस तरह से वो काम करना शुरू करता है। ये पूरा जो सेटअप है इसमें आप देख रहे होंगे एक अलग तरह की डिवाइस है, उसके साथ लैपटॉप और कई चीजें जुड़ी हुई हैं, यानी कि लैपटॉप के साथ आपको ये डिवाइस जोड़नी पड़ेगी, जिसकी मदद से पर्टिकुलर जो एरिया है उसके अंदर जितनी भी कॉल्स हो रही होती हैं लोगों की उन्हें आप सुन सकते हैं, टैप कर सकते हैं। इसे थोड़ा हम डीपली समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसकी वर्किंग समझने के लिए IMSI कैचर जो डिटेक्टर होता है इसे समझने के लिए आपको मोबाइल फोन के वर्क को समझना होगा। वास्तव में आपको ये समझना होगा कि मोबाइल फोन से जब आप कॉल करते हैं तो वो किस तरह से कनेक्ट होती है। ये कनेक्ट होने के लिए दोस्तों जब भी आप मोबाइल से आप अपने किसी दोस्त या फ्रेंड्स किसी को भी आप कॉल लगाते हैं तो उस दौरान में वो अपने सबसे पास के नेटवर्क को देखता है कि उसके सबसे जो क्लोजेस्ट जो नेटवर्क है या टावर है वो कौन सा है। तो IMSI कैचर जो होता है बस इसी चीज़ का फायदा उठाता है। वो जब जो IMSI कैचर नाम की जो डिवाइस है जब भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे ये ट्रिक की मदद से जब भी फोन कॉल्स होंगे एक पर्टिकुलर एरिया में उन्हें ये एहसास दिला देगा, उन्हें यकीन दिला देगा कि उनका सबसे जो क्लोजेस्ट टावर है वो यही है। यानी कि IMSI जो डिवाइस है जब भी कोई भी फोन कनेक्ट करेगा तो IMSI डिवाइस को अपना टावर समझेगा वो पास का, और इसी के जरिए वो कनेक्ट होगा। जैसे ही उसका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है तो साथ ही साथ जैसे ही वो कॉल करेगा अपने फ्रेंड को या कहीं भी, तो वो जो कॉल जाएगी वो IMSI कैचर के जरिए जाएगी, यानी कि इससे होते हुए वो आपके टारगेट तक पहुंचेगी। तो ऐसी कंडीशन में जो उसके सेलफोन कनेक्ट हुआ है उसे भी नहीं पता चल पाएगा कि कोई उसके फोन को टैप कर रहा है, हालांकि उसकी पूरी कॉलिंग्स डिटेल्स वगैरह सब टैप हो रही होंगी IMSI कैचर की मदद से। तो IMSI कैचर यही करके मैन इन द मिडल का काम भी करता है। आप समझ गए होंगे इसमें सर्विस को कोई इंटरप्शन नहीं होगा, ना ही टारगेट को पता चलेगा, और आसानी से वो ये काम कर पाएगा। मैं एक पिक्चर के जरिए आपको समझाना चाहूंगा। आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए कोई कोई भी सोप है, आप ये देखेंगे जो स्ट्रीट लाइट के खंभे हैं यहाँ पे एक रेड कलर की डिवाइसेज लगी हुई है, वहाँ भी मान लेते हैं कि IMSI कैचर है। वाईफाई को भी IMSI कैचर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों कि एक वाईफाई अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे भी IMSI कैचर के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस पूरी पिक्चर में आप देख सकते हैं जितने भी लोग कॉलिंग्स कर रहे हैं चाहे वो एंड्रॉइड यूजर्स हैं और चाहे वो आईफोन यूजर्स हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आईफोन पे काम नहीं करेगा वो सिक्योर है, ये आईफोन पे भी उतना ही काम करता है जितना कि एंड्रॉइड और दूसरी डिवाइसेस पे करता है। तो यहाँ पे जितने भी लोग कॉल करेंगे और जितने भी लोग इसके नेटवर्क में है इसकी रेंज में है उन सबकी कॉलिंग को ये ट्रैक और टैप कर सकता है जो ये IMSI कैचर है। अब इसकी वर्किंग आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसे कौन यूज कर सकता है। तो IMSI कैचर्स को वास्तव में यूज़ करने का जो काम था ऐसे काफ़ी टाइम पहले मिलिट्री और जो बहुत बड़ी हमारी पुलिस फोर्सेज हैं या बॉर्डर पेट्रोलिंग यूनिट्स होती हैं वो मतलब ऐसे काफ़ी टाइम पहले इस तरह की यूनिट्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी था, आसानी से वो काम नहीं हो पाता था। लेकिन IMSI कैचर की मदद से एक्जैक्टली वास्तव में क्या होता था कि जब भी कोई पुलिस या बॉर्डर पेट्रोलिंग यूनिट्स या कोई भी ऐसी चीज़ें किसी भी फोन को ट्रैक करने की कोशिश करती थी तो उस दौरान उन्हें नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से परमिशन लेनी होती थी, और ये अपने आप में काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। मान लीजिए कोई भी फोन आपको अभी ट्रेस करना है तो उसके लिए आप परमिशन लें और तब आगे बढ़े, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट काम था। हालांकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं या पुलिस या बॉर्डर पेट्रोलिंग यूनिट्स होती है उन्हें ये परमिशन होती हैं, लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी वर्क था। IMSI के आने से ये काम आसान हो गया क्योंकि इसमें इसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली वो कनेक्ट हो जाता है अपने टारगेट से, तो इससे टाइम बचता है। तो मोस्ट कॉमनली जो मिलिट्री है टेररिस्ट की एक्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए या उनके बीच क्या बातचीत हो रही है उसका पता लगाने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करती थी। जैसे कि मैं आपको याद दिलाता हूँ बॉर्डर करके एक मूवी थी हमारी, बहुत अच्छी मूवी आई है, उसमें पेट्रोलिंग के दौरान वो बात सुन लेते हैं कि दो टारगेट दो मतलब आतंकवादियों के बीच में कोई भी बातचीत हो रही है, वो उसे सुन लेते हैं अपनी जो डिवाइस है उसकी मदद से। तो ऐसे ही IMSI की मदद से वो आसानी से सुना जा सकता था। अभी हालांकि IMSI इतनी छोटी रूप में भी आने लगा है कि आप इसे ड्रोन पर कनेक्ट करके पर्टिकुलर एरिया में भेज सकते हैं और उस एरिया की जो कन्वर्सेशन है उसे सुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसे किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। तो दोस्तों आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी इसके लिए।
मोबाइल फ़ोन में एक मतलब नॉर्मल रिक्वायरमेंट के बेस पर भी ये काम करता है। इसके आइडेंटिफायर आते हैं अलग अलग तरह के, मार्केट में भी आपको डिवाइसेज भी मिल जाती हैं, सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं इससे रिलेटेड कई। लेकिन अगर मैं पुरानी रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करूँ तो एक प्रोजेक्ट था जिसमें आप पढ़ सकते हैं, ओस्मो कॉम, जो कि ओपन सोर्स मोबाइल स्टेशन सॉफ्टवेयर था, जिसकी मदद से जो MSI कैचर है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगाया जा सकता था। लेकिन अभी हम बात करें तो ये जो सॉफ्टवेयर बेस्ड डिटेक्शन था वो लिमिटेड था, और ये GSM मोबाइल फोन्स या पुराने मोबाइल फोन्स पे ही काम करता था, जैसे कि मोटोरोला डिवाइसेस हो गई। अभी अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो उसके लिए नई चीज़ें हैं मार्केट में और बहुत सारी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों फिलहाल